हाय मूवी सुविन, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना विक्रम वीदा को लेके कि इतनी डिस्कशन कि इसका टीजर आने वाला है, इसका ट्रेलर आने वाला है, और इस तरीके की डिस्कशन चल रही थी कि यार इसको हम शायद बॉयकॉट ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि अगर रीमेक को राइट फॉर्म में लेके आना है तो जो गायत्री और पुष्कर हैं जिन्होंने ओरिजिनल मूवी विक्रम वीदा बनाई थी वही विक्रम वीदा बना रहे हैं। पहले विजय सेतुपति और साथ में आर माधवन के साथ बनाई थी, अब बना रहे हैं वो ऋतिक रोशन के साथ जो कि बने हुए हैं वीदा, और विक्रम जो कि पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए हैं वो बने हुए हैं सैफ अली खान। और वहाँ पर जो पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए थे वो थे आर माधवन, और जो खूंखार विलन बने हुए थे वो थे विजय सेतुपति। और जो अच्छे एक्टर ने जो अच्छा काम किया है इसके अंदर, अगर हिंदी सिनेमा में अगर हम कुछ एक्टर्स को देखेंगे कास्टिंग प्रॉपर है कि नहीं है, तो इतनी एक्साइटमेंट होगी कि मेरे को लगा कि यार मुझे तो देखनी है ये। तो आप में से ही एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे को एक लिंक भेजा जो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर लूँगा। तो अनऑफिशियल जो हिंदी डब्ड वर्जन है, क्योंकि इसका ऑफिशियल डब्ड वर्जन कोई है नहीं, वो मेरे को मिला यूट्यूब के ऊपर ही और वो मैंने देखा। हालांकि इसके अंदर वो स्वाद तो नहीं आएगा आपको वॉइसेस का, बट फिर भी अच्छा ठीक ठाक फैन डब्ड है ये। और इसके अंदर जब मैंने ये मूवी देखी तो मैंने बोला है यार व्हाट अ क्लासिक मैन, व्हाट अ क्लासिक यार, ये मैंने अभी तक देखी क्यों नहीं यार। मतलब कुछ कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जैसे रस्तान भी मैंने नहीं देखी है, वो भी मुझे देखनी हुई, वो कठपुतली उसी के ऊपर बेस्ड है। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है ये, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। दोनों एक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम करा है, चाहे वो आर माधवन हो विजय सेतुपति हो, और जो स्टोरी है माइंड ब्लोइंग है। मतलब एंड माइल तक भी जो लास्ट के 5 मिनट भी हैं उसको कंक्लूड करने के लिए आपको पूरी स्टोरी देखनी पड़ती है, और जिस तरीके का नरेटिव है ना वो ट्रूली इंस्पायर्ड है विक्रम बेताल से। विक्रम बेताल के अंदर जो बेताल था उसके सर के ऊपर चढ़ जाता था, क्वेश्चन पूछता रहता था अब आप ये चॉइस लोगे कि ये चॉइस लोगे। यहाँ पर विजय सेतुपति किस तरीके से आर माधवन को क्लूज की तरफ टीज करता रहता है और दोनों ही कुछ जानना चाहते हैं जो एंड में कंक्लूड होता है, और जो कुछ ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं स्पेसिफिकली एंड में और जिस तरीके से ये एंड होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो मैं ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया हूँ कि अभी ये ऋतिक रोशन और सैफ अली खान वाली जो मूवी आएगी वो किस तरीके की चेंजेस के साथ आएगी, कि सीन बाय सीन सब कुछ सेम होगा, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो और ग्रैंडर बोला जा रहा है और ज़्यादा लार्जर स्केल पर बोला जा रहा है, और जो गायत्री और पुष्कर है वो भी शायद इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस कर रहे हैं एज़ पर देयर इंटरव्यू। तो क्या बना रहे हैं इसका पता नहीं, वो तो जब टीज़र आएगा तो शायद आप मेरा ये वाला वीडियो भी मैंने आज शूट किया है लेकिन आप शायद कल टीज़र के बाद आप इसको देख रहे होंगे। पर ज़बरदस्त है यार ये मूवी, इज माइंड बेंडिंग, इट अलाउज यू टू सी द फुल क्रिएटिविटी ऑफ द राइटर्स, और आपको इतना मज़ा आता है इसको देख के कि आप बोलते हो यार यही तो सिनेमा है। बहुत ही ज़बरदस्त है ये, क्लासिक है ये, जेन्युइनली क्लासिक है। मज़ा आ गया देख के कि किस तरीके से एक इंस्पेक्टर है जो चेज कर रहा है एक विलन को, और वो क्या विलन है, वो ऐसी चॉइसेस ऐसे सिनेरियोज आपके सामने रख देगा आप बोलोगे यार ये गलत तो नहीं है, ये तो गलत है, तो कौन सही है और कौन गलत है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाता है। एक सीन आता है इसके अंदर जिसके अंदर वो बोलता है कि अगर मान लो कि ये विलन है और ये भी विलन है, दोनों में से ठीक कौन है, मारना एक को है। तो वो जो कुछ सीन है, जो कॉन्वर्सेशंस हैं, डायलॉग्स हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, मीनिंगफुल हैं। जो म्यूज़िक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो मैंने वर्जन देखा उसमें सिर्फ एक ही गाना है और वो भी गाना मुझे अच्छा लगा। कहा जा रहा है कि जो BGM है नई वाले का वो और भी ज़्यादा बढ़िया, सो लेट्स सी वो किस तरीके का आता है, बट यही वर्जन तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। देखना होगा कि कैसे मैचअप करेंगे। अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है कि जो ओरिजिनल मेकर्स हैं वही इसको बना रहे हैं, तो जो लॉस इन ट्रांसलेशन होता है, तो लॉस इन विजन होता है वो होपफुली नहीं होगा, तो वो चीज़ अच्छी चीज़ हुई है यहाँ पर। मैं इतना ज़्यादा किसी मूवी को देख के प्रभावित हुआ हूँ कि इतना अच्छा स्क्रीन प्ले, अच्छे एक्टर्स एक साथ आके बहुत ही धमाकेदार कुछ बनाए। मतलब मिस मेरी तरफ से क्योंकि मैंने पहले ये देखी नहीं। ज़बरदस्त है यार, मतलब आई कैन इमेजिन कि अगर ये खुद की इनकी वॉइसेस में होती, आर माधवन की अपनी वॉइस होती, विजय सेतुपति की अपनी वॉइस में दिखता, तो जो मॉड्यूलेशंस आती वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त आती, और भी ज़्यादा गहराई से आती। और ये दोनों क्या सॉल्व करने निकल रहे हैं यही सबसे बड़ा मूवी का हाईलाइट है, और वो कैसे उस अराइवल पॉइंट पर पहुँचते हैं, और जो लास्ट का सीन है जब नामकरण आने शुरू होते हैं, वो जो लास्ट का सीन है उसमें चॉइस आपके पास भी होती है, आप क्या चॉइस लोगे, वो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी।
जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लें पहले, फिर उसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे कि एंड में ये जो एंडिंग हुई है ये किस तरीके की है, किस डायरेक्शन में जाएगी। बाकी जब विक्रम वेदा आएगी 2022 वाली उसको भी देखेंगे और देखते हैं कितनी खरी उतरती है ओरिजिनल वर्जन के ऊपर, क्या वो जेन्युइनली ग्रैंडर बनाया है जैसा कि प्रॉमिस किया गया, क्योंकि इसका बजट भी अच्छा खासा है, 150 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है जो एटलीस्ट अभी खबर चल रही है। वैसे तो जो ओरिजिनल जब स्टेप बननी शुरू हुई थी तो बोला गया था कि 100 करोड़ की है, बार बार रुकी भी है बीच के अंदर क्योंकि कोविड की वजह से ये डिले होती चली गई। और ये लास्ट कुछ मूवीज़ हैं जो मैं बोलूँगा कि रीमेक के सिनेरियो में आ रही हैं, हो सकता है कि अब कोई रीमेक्स ज़्यादा बने नहीं। आई थिंक मिड ऑफ 2023 के बाद रीमेक्स तो आपको कम ही दिखेंगे। ये सब रुकी हुई मूवीज़ हैं जिनके ऊपर पैसा लग चुका है, कुछ छूट हो चुका है तो वो है। बाकी देर ऑल्सो बींग वेरी केयरफुल, आई थिंक हिंदी सिनेमा दे हैव पुट अ हॉल्ट टू समवेयर ऑन 15-16 मूवीज विच आर ईदर नॉट ग्रेट स्क्रिप्ट और आर रीमेक्स, तो उसको भी स्टॉप लगा दिया गया। तो एज ऑडियंसेस हमारे लिए अच्छा है, हमें नई नई स्टोरीज देखने को मिलेंगी। बाकी अभी जो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो एक तो PS1 आ रही है, कोबरा आ रही है, वो सब मूवीज़ अच्छी हैं, इंटरेस्टिंग हैं। और उसके बाद विक्रम की तो ऑब्वियसली मुझे कोबरा का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार रहेगा क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मैथमेटिशियन की, उसका भी ट्रेलर आने वाला है हिंदी का, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और फिर एक और मूवी आ रही है यार, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, साउथ की मूवी है बट उसके बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे, अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा। बट जिन्होंने नहीं देखी यार विक्रम वीदा ओरिजिनल वर्जन वो ज़रूर देखें, और जिन्होंने नहीं देखी है और वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने देख लिया और ये अच्छी और वो बुरा, अभी इतनी जल्दी कंपैरिजन मत करो, इट इज़ टू अर्ली टू से विच वन इज़ बेटर, क्योंकि जो नफरत फैलाने वाले लोग होते हैं बोलते हैं ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत घटिया है, ये सब अभी शुरू होने वाला है जल्दी, तो वो थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। लेट्स जस्ट वेट फॉर द अदर मूवी ऑल्सो टू कम इन एंड देन डिसाइड विच वन इज बेटर। और एक्चुअली में तो ये स्टेटमेंट होना चाहिए कि इज द 2022 वर्जन एबल टू डू जस्टिस टू द 2017 वर्जन, इस तरीके की कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। और अगर खरी उतरती हो तो ग्रेट, तो फिर कबीर सिंह वाले रास्ते निकलेगी, और अगर नहीं है तो फिर फीडबैक की लिस्ट बनेगी, भैया ये दो चार चीज़ों में आप खरे नहीं उतरे। और उस पर टॉप पे तो ये रहेगा कि रीमेक क्यों बनाया, बट रीमेक जब बनने शुरू हुए और जब एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसमें और अब के ज़माने में बहुत फ़र्क है। लास्ट कोविड के आने से बहुत ज़्यादा हमारा जो एक्सपोजर लेवल है फॉर OTT और सब के पास फ्री का डेटा और ये सब चीज़ इतनी ज़्यादा आ गई कि सबको सबको सारी मूवीज़ देखने को मिल जाती हैं। जब इतना कुछ देखने को मिल जाएगा तो ऑब्वियसली एक्सपोजर लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, फिर वो डिमांड करते हैं कि यार ये देख लिया, हिंदुस्तानी शक्ल है, डब करके देख लेंगे, हमें को अलग शक्ल में क्यों देखने का है, मतलब कोई लॉजिक तो बनता नहीं, मेरे दिमाग में भी कोई लॉजिक नहीं बनता। बट अब जब बन गई है तो फिर इसको इवैल्यूएट करेंगे एज अ प्रोडक्ट, एज अ मूवी, एज अ स्टैंड अलोन, और आपके सामने पेश करेंगे एक और तड़कता भड़कता रिव्यू विद अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। जल्दी मिलते हैं एक और रिव्यू और अपडेट के साथ, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड वॉच विक्रम वेदा नाउ, बाय बाय।